Hi guys, this is Ratee and you are studying nursing with me. Guys, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जनरल एनेस्थीशिया की फोर स्टेजेस हैं गाइस. तो चलिए देखते हैं सीक्वेंस वाइज कि क्या ये स्टेजेस हैं और किस तरीके के साइंस आपको देखने को मिलेंगे इन फोर स्टेजेस में. तो चलिए शुरू करते हैं एनेस्थीशिया स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज है गाइस ऑनसेट मीन्स बिगनिंग ऑफ द स्टेज. इसका जो स्टार्ट पॉइंट है उसमें एनेस्थेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है. मीन्स जो भी एनेस्थीशिया ड्रग हमने चूज की है उसका एडमिनिस्ट्रेशन इस पॉइंट पे होगा. देन इसके बाद एंड पॉइंट है. एंड पॉइंट में क्या होगा गाइस, जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा. तो यहाँ पर दो पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट. जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा गाइस तो कुछ फिजिकल रिएक्शन पेशेंट शो करेगा, लाइक ड्राउजी हो सकता है पेशेंट या फिर डिजी हो सकता है और कुछ पॉसिबल ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन पेशेंट को एक्सपीरियंस हो सकते हैं या फिर फील हो सकते हैं. इसमें नर्स का क्या रोल है, नर्स को जो ऑपरेशन रूम है गाइस उसके डोर क्लोज करने हैं, रूम को क्वाइट रखना है, असिस करने के लिए साइड में खड़े रहना है. ये रोल है एक नर्स का ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज या फिर ऑनसेट स्टेज. देन इसके बाद आता है एक्साइटमेंट स्टेज. एक्साइटमेंट स्टेज है वो स्टार्ट होगी गाइस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से. देन इसका एंड पॉइंट जो है वो है लॉस ऑफ आईलिड रिफ्लेक्सेस. मीन जो आईलिड का रिफ्लेक्स होगा वो लॉस्ट हो चुके होंगे एक्साइटमेंट स्टेज के अंदर. इस स्टेज में जो पेशेंट है वो किस तरीके का फिजिकल रिएक्शन देगा गाइस, इसमें ऑटोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी एंड इररेगुलर ब्रीदिंग होगी. देन क्लाइंट जो है वो स्ट्रगल करेगा ब्रीदिंग के लिए. इस टाइम पर जो नर्स है उनका क्या रोल है गाइस, नर्सेस का रोल ये है कि उन्हें क्वाइटली पेशेंट के साइड में रहना है और अगर ज़रूरत हो तो एनेस्थेटिस्ट को असिस्ट करना है गाइस. देन आती है थर्ड स्टेज. ये इम्पॉर्टेंट स्टेज है गाइस, जो भी सर्जरी परफॉर्म की जाती है वो इसी स्टेज के अंदर की जाती है. तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, सर्जिकल एनेस्थीशिया. इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ पे जो साइंस होंगे वो लॉस ऑफ आईलिड रिफ्लेक्सेस होंगे. मीन्स जो आईलिड है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो आप चेक कर सकते हैं. देन इसका जो एंड पॉइंट है वहाँ क्या होगा, लॉस ऑफ मोस्ट रिफ्लेक्सेस और डिप्रेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस. अगर हम पेशेंट की बात करें तो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस होगा, मसल्स रिलैक्स्ड होंगी और कोई भी ब्लिंकिंग और गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं होगा इस कंडीशन में. यहाँ पर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, इस स्टेज में भी नर्सेस को रेडी रहना है अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है उसके लिए. तो एनेस्थेटिस्ट इंडिकेट करते हैं और नर्स को कि वो असिस्ट कर सके इस कंडीशन में. और सबसे लास्ट जो स्टेज है वो है डेंजर या फिर डेथ. इस स्टेज में क्या होगा गाइस, जो स्टार्ट पॉइंट है उसमें फंक्शन एक्सेसिवली डिप्रेस्ड हो जाएंगे और एंड पॉइंट में रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी फेलियर्स हो जाएंगे. तो इस कंडीशन में पेशेंट जो है वो सांस नहीं ले रहा है, देन हार्ट बीट प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. इस स्टेज में नर्स का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है गाइस. अगर यहाँ पर अरेस्ट हुआ है तो इमीडिएटली रेस्पोंड करना है और असिस्ट करवाना है एयरवे को एस्टेब्लिश करने के लिए और कार्डियक अरेस्ट्री प्रोवाइड करवानी है. देन जितनी भी इमरजेंसी ड्रग्स हैं वो सब प्रोवाइड करवाना है सर्जन को. तो ये थी फोर स्टेजेस ऑफ एनेस्थीशिया गाइस. इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से और बहुत ही इजी टॉपिक है गाइस, आप इसे इजी वे में लर्न कर सकते हैं. एंड गाइस प्लीज़ फीडबैक देते रहिए, फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके की और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड करना है.
I hope this information will be useful for your upcoming exam. So thank you.